डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ महापौर व पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में AIMIM के पार्षदों से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने भाजपा के 2 पार्षद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी AIMIM पार्षदों की इस रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें भाजपा पार्षद उत्तम सैनी, राजीव काले व अंशुल गुप्ता पर जान से मारने की कोशिश करते हुए मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर भाजपा पार्षदों की तरफ से AIMIM पार्षदों के खिलाफ तहरीर दी गई है। साथ ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने कहा है कि अपने पार्षदों की हम जमानत करा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सभागार में नवनिर्वाचित महापौर हरिकांत अहलूवालिया समेत पार्षदों का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान वंदे मातरम गायन के दौरान भाजपा पार्षदों ने AIMIM के पार्षदों की यह कहते हुए पिटाई शुरू कर दी थी कि वह वंदे मातरम का गायन क्यों नहीं कर रहे हैं, साथ ही बैठे रहकर उसका अपमान क्यों कर रहे हैं। वहीं AIMIM पार्षदों का कहना था कि शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम का है, भाजपा का नहीं। वह भारत जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, चाहे गर्दन ही क्यों न कट जाए। मारपीट की यह वारदात पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की भारी मौजूदगी में हुई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पुलिस हरकत में आई और भाजपा पार्षद उत्तम सैनी, राजीव काले व अंशुल गुप्ता को गिरफ्त में लेकर मेडिकल थाने ले आई। यहां भाजपा नेता पहुंचे और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने फर्स्ट बाइट से यह कहा, भाजपा कानून का सम्मान हमेशा करती है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई। ये हमारे दोनों पार्षद यहाँ पर आज जो बीच में शपथ ग्रहण समारोह था, कुछ पार्षदगण राष्ट्रगान वंदे मातरम पर बैठे थे, जिससे उन्होंने मतलब विरोध कर दिया। बैठे क्यों? उन्होंने गाली गलौज और इनको जान से मारने धमकी दी। कुछ तहरीर को यहाँ पर देना है, लेकिन यहाँ पता लगा कि कोई तहरीर उन्होंने भी दे रखी है मारपीट करने की, कि उन्होंने हमसे मारपीट किया। जबकि वहाँ पर क्योंकि ये लोग बैठे थे, हमारे जनता की गाली बजे थे, राष्ट्रगान का विरोध करे थे, इन्होंने उसका विरोध करा भी, यहाँ पर बदतमीजी नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उनको कुछ मतलब छीना झपटी हुई और उन्होंने उसको बताया कि हमारे साथ उन्होंने मार्केट करी वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से हमारे पार्षद यहाँ पर आए और उसमें जो यहाँ पर उन्होंने तय किया उसको जमात करवा लेंगे। वहीं इससे पूर्व SPCT पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी थी। ये विगत में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में चुने गए पार्षदों और महापौर के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रस्तावित थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत को लेकर AIMIM के कथित पार्षदों द्वारा कुछ आपत्ति की गई, जिसका वहाँ पर मौजूद अन्य पार्षदों के द्वारा विरोध किया गया और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर मौजूद पुलिस के द्वारा तत्काल इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नहीं, कई ऐसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है, कुछ लोगों के शपथ जो आज नहीं ले पाते हैं वो बाद में पुनः शपथ ले सकते हैं। AIMIM के महापौर प्रत्याशी मोहम्मद अनस ने यह कहा, देखिए मैं तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं था, पूरा संगठन वहाँ पर शामिल था, पार्टी के हमारे तमाम जिम्मेदार। वहाँ से अचानक से ये खबर आती है कि BJP के कुछ कॉरपोरेटर उग्र भीड़ के साथ और प्री प्लान तरीके से पूरी प्लानिंग करके ये शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे थे, और वहाँ पर जो राष्ट्रगान हुआ है, राष्ट्रगीत हुआ है, एक मरतबा राष्ट्रगीत होने के बाद हमारे कॉरपोरेटर्स ने कहा कि राष्ट्रगान भी हो जाना चाहिए। जब हमारे कॉरपोरेटर्स ने इस बात को कहा कि BJP की जो कॉरपोरेटर्स के साथ उग्र भीड़ थी, उन्होंने हमारे कॉरपोरेटर पे, हमारे संगठन के लोगों पे फौरन से एकदम से हमला किया जान से मारने के इरादे से। और दूसरी चीज़ यह है कि आप वीडियो देखिए, वीडियो में किस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है। ये BJP की सीधी सीधी गुंडागर्दी है। थाने में आए हुए हैं, FIR के लिए तहरीर दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका पे, पुलिस पे के निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की बात? देखिए अभी तहरीर बन रही है, उसमें 3 लोग हैं, कोई काले करके हैं और उनके 2 समर्थक हैं, और 15 से 20 लोगों को जो अज्ञात में, जिनकी अभी शिनाख्त, ये पुलिस का काम है, पुलिस शिनाख्त करेगी वीडियो के जरिए, CCTV फुटेज में जो लोग आ रहे हैं
तो पुलिस करेगी तो हमारी मांग है कि कठोर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सर, वंदे मातरम एक मरतबा हो गया, दोबारा राष्ट्रीय गान नहीं होना चाहिए क्या? और दूसरी चीज़ यह है कि राष्ट्रीय गीत का जिक्र तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, राष्ट्रीय गान का जिक्र है। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा। इससे पूर्व AIMIM के पार्षद व अन्य लोगों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी के समक्ष इस घटना पर यह कहते हुए नाराजगी जताई थी। मैंने कहा जो चीज नहीं हुई उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।